वरमाला के बाद दूल्हे ने किया शादी से इनकार, बिना दुल्हन के लिए वापस ले गए बारात, पीड़ित परिवार ने कराया दहेज का मुकदमा दर्ज। पिछोर में कल तक जिस घर में हंसी खुशी का माहौल था, हर कोई बारात के स्वागत को तैयार था, वहां आज सन्नाटा पसरा हुआ है। एक लड़की जो अपनी शादी को लेकर कई तरह के सपने देखती है, वो आज मायूस चेहरा लेकर बैठी हुई है। हाथों में लगी मेहंदी और हल्दी उसका दर्द बयां कर रही है। पूरा मामला पिछोर के भौंती थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम मनपुरा की है, जहां 21 मई को रचना की शादी भूपेंद्र से होने वाली थी। सारे रिश्तेदारों और परिजन बड़ी ही जोर तोड़ों से बारातियों के स्वागत में लगे थे। बारात भी आई, वरमाला भी हुई और बारातियों ने जमकर डांस भी किया। तभी अचानक रात 3 बजे दूल्हा किसी बात से नाराज होकर विवाह स्थल से भाग गया। जैसे ही इसकी सूचना लड़की के परिजनों को लगी तो वह यहाँ वहाँ दूल्हे की खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन दूल्हा था कि कहीं नजर ही नहीं आया। तभी लड़की के पिता ने दूल्हे को फोन लगाया तो वो दहेज की मांग करने लगा। इतना ही नहीं, कुछ नकद रुपयों के साथ साथ वॉशिंग मशीन के भी दूल्हे के परिजनों द्वारा की गई मांग। लड़की के पिता ने लाख कोशिश की मगर कोई बात नहीं बनी और दूल्हे के परिजन बिना बहू के ही बारात वापस ले गए। इसके बाद कल 22 मई को लड़की के परिजन भौंती थाने पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस को सारे मामले की जानकारी बताई। पुलिस ने दूल्हे एवं उसके परिजनों के खिलाफ दहेज एक्ट का मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ओके, आपका नाम? रचना। जो आपकी शादी थी कितनी तारीख की थी? 21 मई की थी। तो आपके साथ क्या हुआ? 21 मई की शादी थी, वो टीका हो गया था और जयमाला भी हो गई थी, बस फेरों का टाइम था, तभी लड़का भाग गया। तो जब लड़का भागा, किस कारण से भागा था? उसको ना पैसे चाहिए थे, दहेज की मांग कर रहा था वो। तो शादी के पहले क्या दहेज की मांग की और उसमें जो भी मांग, उसकी कोई डिमांड नहीं थी क्या? नहीं, कुछ नहीं थी पहले। तो आपने शादी में क्या क्या दिया और अपनी? हमने अपनी हैसियत से सब कुछ दिया उसको। क्या क्या दिया? पक्याट में हमने अपाचो गाड़ी दी थी उसको 1.5 लाख की, और एक रिंग दी थी, 11,000 रुपये दिए थे, लगा कपड़े लत्ते दिए थे, हल्फ लाइट दिए थे, सब कुछ दिया था, अपने हैसियत से सब कुछ दिया था। तो फिर शादी के बारात घर पे आई, वरमाला हुआ, हाँ। फिर इसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ, क्या डिमांड की दूल्हे ने जो वह भाग गया? उस वो ही कह रहा था कि 10 लाख रुपए दोगे तभी शादी करूंगा, नहीं करूंगा मैं, पैसों की मांग के कारण। हाँ। क्या ऐसी इतनी है ही नहीं है कि 10 लाख दे सके। दूल्हे का नाम क्या है? भूपेंद्र। कहाँ का रहने वाला है? प्राणपुरा का। तहसील कौन सी लगती है? करेरा। तो अब आपने आगे क्या सोचा है? उससे नहीं करना उस लड़के से शादी। मैं एक एमए पास हुई हूँ, वो तो 12 ही पास है, लेकिन घर वालों की खुशी के लिए मैंने शादी कर ली थी उससे। आगे अब क्या चाहती हैं आप इस पे? मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैंने एमए किया है, वो लड़का तो 12 ही पास है, वो तो घर वालों की खुशी से मैंने कर ली थी शादी उससे। आप भी ये किया है तो अब स्वाभाविक बात है कि आप तो अच्छे बुरे का ध्यान होगा आपको। तो आपने आगे क्या सोचा है? उससे नहीं करना लड़की से शादी, वो दारू पीता है। जब शादी आपकी तय हुई थी उस समय कोई पैसों की डिमांड की थी लड़के? नहीं, नहीं, कुछ नहीं थी। अच्छा, कुछ कोई डिमांड नहीं, नहीं थी? उन्होंने बोला था अपनी खुशी से कर देना, उस समय कोई पैसों की डिमांड नहीं थी, अचानक से शादी की डिमांड निकली हुई। हाँ। तो अब आप शादी उससे नहीं करना चाहते? नहीं, उससे नहीं करना मेरे को। पैसे की डिमांड उसने कब की थी? फेरों के पहले, बरमाला होने के बाद। हाँ। क्या बोला? मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए, मुझे 10 लाख की शादी करोगे तभी करूँगा, नहीं मैं नहीं करूँगा। अब तो आपने आगे जो अपने जीवन के बारे में क्या सोचा है? मुझे इससे नहीं करना शादी, अभी 2 साल नहीं करूंगी मैं। क्या नाम है आपका? रचना। कब थी आपकी शादी? 21 मई को। 21 मई को आपकी शादी थी, क्या हुआ फिर इसके बाद? बरात वो टीका हो गया था, दूल्हा आ गया था और बरमाला भी हो गई थी,
उसके बाद 3 बजे भाग गया दूल्हा। क्या वजह रही, किस वजह से भाग गया दूल्हा? दहेज की मांग कर रहा था। दहेज की मांग कर रहा था, कितने रुपए की मांग की? 10 लाख की। 10 लाख रुपए मांगे थे। इससे पहले कोई दहेज की बात थी? दहेज दिया होगा आपके पापा ने पहले तो दिया होगा। हमें 3 लाख की मांग थी तो हमने कर दी थी। 3 लाख की मांग थी, आपने पूरी कर दी थी। टीका हो गया था, बरमाला हो गई थी। फिर इसके बाद कितने बजे की घटना है? 3 बजे की सुबह। 3 बजे? हाँ। 3 बजे दूल्हा भाग गया। आपने मनाया होगा, आपके रिश्तेदारों ने बुलाया होगा, क्या कहा उन्होंने? मेरे को मनपरा नहीं आऊँगा तेरे घर, तेरी मम्मी आए मुझको मनाने और 11,000 रुपये ले आए। 11,000 रुपये किस बात के? दाड़ दे तेरी मम्मी। क्या नाम है दूल्हा का? भूपेंद्र। भूपेंद्र कहाँ से आई थी बरात? रानपुरा। रानपुरा से बरात आई थी। फिर इसके बाद क्या घटनाक्रम हुई? कुछ नहीं, भाग गया, बोल रहा है अब नहीं आऊँगा मैं, मुझे नहीं करनी शादी। तो आपकी शादी नहीं हुई? आप नहीं, बिना फिरों के बारात वापस लौट गई। क्या नाम है आपका? क्रांति। कौन हो आप? मामी। मामी हो आप। क्या घटनाक्रम हुआ यहाँ पे? यहाँ पे घटनाक्रम तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन वो पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। जयमाला हुआ, टीका हुआ, सब कुछ हुआ, ठीक हुआ सब कुछ। उसके बाद चढ़ाई के पहले लड़के ने डिमांड की पैसों की, कि हमको इतना दहेज चाहिए, इतना पैसा चाहिए। तो हम लोगों ने बोला कि हमारे पास नहीं है इतना सारा पैसा। शादी से पहले कुछ डिमांड की थी उनने? नहीं नहीं नहीं, अच्छा। कुछ नहीं, बरमाला हो गया, सब कुछ हो गया। इसके बाद फिर बोलने लगा कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, तो शादी करूँगा नहीं तो नहीं। तो हम लोगों ने बोल दिया कि हमारे पास इतना नहीं है, सब कुछ दिया उसको, पूरा दहेज दिया, लेकिन फिर भी इसके बाद बोला कि मुझे इतना पैसा चाहिए, हमारे पास नहीं था। वो फिर भाग गया, तो फिर मौजूद ही मैंने बोला, उसने फोन पे बोला कि तब आऊँगा जब इतना पैसा दोगे मुझे 10 लाख, तो आऊँगा नहीं तो नहीं। शादी स्थल से ही भाग गया दूल्हा? फोन पे बात हुई थी आपकी? फोन पे बात, पैसों की डिमांड फोन पे की? फोन पे की। परिजन होंगे कुछ, दूल्हे के पिताजी होंगे, उनसे बात की होगी आप लोगों ने? नहीं, हाँ उन लोगों से भी की बात, तो उन लोगों से भी की। वही पैसे मांग रहे थे? वही पैसे मांग रहे थे 10 लाख रुपए, कि हमारे बेटे को इतना पैसा दोगे तो शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बारात वापस ले गए? बारात वापस ले गए। आसाराम कोहली। आसाराम कोहली, क्या घटनाक्रम है आपकी? किसी शादी किसकी थी आपके यहाँ? लड़की की थी। आपकी लड़की की शादी थी, कब थी शादी? 21 मई में। क्या हुआ फिर? बारात आ गई, टीका हो गया, जयमाला प्रोग्राम हो गया, खाली भामरों का कार्यक्रम चल रहा था मंडप के नीचे, इतने में लड़का गायब हो गया। टीका के बाद, बरमाला के बाद? हाँ। दूल्हा कहीं चला गया? चला गया। क्या बज रही, क्या बज गई कि पैसा दियो हमें, 10,000 रुपये मांग रहा था, लौटा कर दियो, जब हमें मना ले जाओ, जब मैं घर नहीं आऊँगा, उत लड़की आ जावे बस स्टैंड। कुछ सामान भी सुनने में आया कि वो वॉशिंग मशीन जैसा कुछ डिमांड कर रहे थे? वैसे हमने ना लाई थी, लेकिन वो मांग रहा था, हमने तो उससे सामान तो बाकी हमने बता दी कि 3 लाख की शादी कर दें, लेकिन हमने 4 लाख की शादी कर दी। अच्छा अच्छा। और अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, अब वो चाहे तो के 8-10 लाख की हो जावे, तो हमें व्यवस्था नहीं, और बस यही बात है। और फिर जब बारात वापस चली गई तो अब चली गई, फिर हम थाने गए और FI दर्ज कराई, और बस यही। क्या आश्वासन दिया आपको थाने वालों ने? सर, थाने वालों ने यही आश्वासन दिया कि जी आपका सामान सब कोर्ट द्वारा वापस हो जाएगा, मिल जाएगा पैसा। आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं? आगे कुछ नहीं चाहते, अपन शादी उससे नहीं करना।